बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन, मेरा नाम है गुलाम मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं मुर्तज़ा चैनल। आज मैं आपसे बात करूंगा कामयाब जवान प्रोग्राम 2020 कर्ज़ा स्कीम के बारे में। तो ये बहुत पॉपुलर स्कीम आजकल चल रही है और लोगों को इसमें कर्ज़े मिल भी रहे हैं। इसमें 1 लाख से 50 लाख तक के कर्ज़े दिए जाएंगे। बहुत सारे दोस्त मुझसे ये सवाल कर रहे थे कि सेकंड मरला कब स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने इनसे कहा कि मैं इंशाल्लाह ताला जल्द ही इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन शॉर्टली यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि इसका सेकंड मरला अनकरीब शुरू होने वाला है। जैसे ही शुरू होगा मैं आपसे ज़रूर अपडेट करूँगा इसके बारे में। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को लाजमी क्लिक कीजिएगा। कामयाब जवान और इससे रिलेटेड स्कीमों के बारे में भी मैं आज से बात करूंगा और इसकी कंप्लीट तफसील आपके सामने रखूंगा। इसमें 1 लाख से 50 लाख तक के कर्ज़े आपको दिए जाएंगे। तो करना क्या है, आपने सबसे पहले आपने अपना शनाख्ती कार्ड किसी भी ऑनलाइन शॉप पे लेके जाना है और वहाँ से आपने जाके ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद इसकी कुरानदाजी होगी और आपको हेड ऑफिस कराची लाहौर या KPK के मंदरजा जैल नंबर में से कॉल आएगी। और इनके अलावा अगर आपको किसी नंबर से कॉल आए तो आपने उसको फेक समझना है। उसके बाद अगला मरहला ये होगा कि कुरानदाजी में आपका नाम आने के बाद तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर कोई ना कोई वेरिफिकेशन करने वाला नुमाइंदा आपके पास आएगा और आपसे वो आपकी डिटेल मांगेगा, जिसमें आपने अपने तकरीबन हमसायों के ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड और अपने घर का एक बिजली का बिल और अपनी एजुकेशन डिटेल आपने उसको मुहैया करनी है जल्दी जल्दी से, ताकि आप लेट ना हो और प्रॉपरली आपकी ठीक तरीके से वेरिफिकेशन हो जाए। आपने अपने किसी भी दो अच्छे हमसायों के शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल ऐसे बंदों को बिल्कुल रेडी और तैयार रखना है ताकि सारा काम आसानी से हो जाए। उसके बाद अगला मरहला आपका तकरीबन आएगा कि 10 दिन के अंदर अंदर आपको हेड ऑफिस से दोबारा कॉल आएगी, जिसमें आपसे पूछेंगे कि जो कर्ज़ा आपने लिया है इसका आपने क्या करना है। तो आप वही बताएंगे जो आपने फार्म में फिल किया था कि मैं फलां कारोबार या फलां मकसद के लिए कर्ज़ा ले रहा हूँ। आपने कोई भी इसमें गलतफहमी नहीं करनी, जो भी आपने ऑनलाइन सिस्टम में बताया था फॉर्म फिल करते वक्त कि मैं फलां कारोबार या फलां शॉप को इंक्रीज करने के लिए या नए कारोबार के लिए या किसी मकसद के लिए कर्ज़ा ले रहा हूँ, सेम वही आपने इसमें डिटेल डालनी है। इसके अलावा आपने गलतफहमी तो बिल्कुल करनी नहीं है ना। उसके बाद अगला मरहला आएगा कि इसके बाद आपने तकरीबन 15 से 20 दिन में आपको आखिरी मराहल से गुजरना पड़ेगा, जिसमें आपको लोकल बैंक से कॉल आएगी और वो जो भी आपको आपसे कोई भी किसी किस्म की डॉक्यूमेंट या तफसील मांगेंगे और आप उसको मुहैया करके सारा आपको कर्ज़ा जो भी आपने अप्लाई किया होगा वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी सहूलतें हैं। एक प्रोग्राम इनका जिसका नाम है एहसास कफालत प्रोग्राम है। इसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो 5,000 देते थे वो बढ़ाकर अब 6,000 कर दिया गया है। इसके अलावा औरतों को टेंशन से बचने के लिए ATM कार्ड का जरा हो रहा है। स्मार्टफोन वगैरह भी इनको दिए जा रहे हैं जो कि स्टडी से रिलेटेड बच्चों के काम आएंगे। और इसमें तकरीबन 7 लाख घराने इस स्कीम से मुस्तफीद होंगे और 70 अजला में ये स्कीम शुरू हो रही है। याद रहे कि ये स्कीम 70 अजला में शुरू हो रही है और इसमें तकरीबन 24 अजला अनकरीब मजीद शामिल होंगे। और इसमें आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले इसका तरीकाकार ये होगा कि सबसे पहले सर्वे होता है इनका। सर्वे के बाद डेस्क लगते हैं और अब
तकरीबन 15 डिस्ट्रिक्ट में डेस्क लग चुके हैं और 55 जिला में इफ्तिताह होने जा रहा है। 20 मार्च तक ये सब जिला में डेस्क लग जाएंगे। इसके अलावा एहसास कफालत प्रोग्राम भी आ रहा है, जिसमें राशन कार्ड, मुर्गियां, गाय, भैंस, बकरियां वगैरह दी जाएंगी और 70 लाख खानदानों को एहसास कफालत कार्ड का इजरा हो रहा है और 60 लाख खानदानों में हेल्थ कार्ड भी दिए जा रहे हैं, जिसमें हर बंदा एक साल में 1,20,000 तक का अपना इलाज फ्री में करवा सकता है। ये बहुत अच्छी स्कीमें हैं, इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्कीमें हैं और गरीब, खासकर ये गरीब लोगों के लिए बनाई जा रही है, जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, अपना कोई भी काम धंधा नहीं करते या जिनका बिल्कुल लॉस में कारोबार जा रहा है, जो बहुत 10-15 हज़ार मंथली कमाते हैं, ये सब उन लोगों के लिए है। ज़रूर इसमें अप्लाई कीजिएगा। और इसके अलावा इनका एक और प्रोग्राम भी है, जिसमें वो 2,000 महाना वजीफ़ा भी उन गरीब बच्चों को देंगे पढ़ाने के लिए, जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और इसके अलावा एक इनकी और स्कीमें भी हैं, हैं तो स्कीमें इनकी काफ़ी बहुत सारी अच्छी, लेकिन टाइम शॉर्ट है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।